आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा NVSP, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल साइट है, ये खुल के आ जाएगा। यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक नया यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। चलिए हम क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को यहीं से रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड करने का प्रोसेस बताएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ईपिक डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना एपिक नंबर चूज करेंगे और एपिक नंबर डालेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर चूज करेंगे और रेफरेंस नंबर डालेंगे। चलिए मेरे पास एपिक नंबर है, हम एपिक नंबर चूज करेंगे और यहाँ से डालेंगे उसको। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट पड़ता है, स्टेट हम बिहार ले लेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ रिलेटिव का नाम आ जाएगा, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आ जाएगा। आप इसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड होगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिडेशन डन, सक्सेसफुल हो चुका है, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और डाउनलोड ईपिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, आपका वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह ओपन करने पर इस तरह शो होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।